जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सीरीज में, जिसमें हम भारतीय इतिहास को कवर कर रहे हैं और इसका एक टॉपिक नंबर 5 है तथा वीडियो नंबर 11 है। इसमें हम मौर्य उत्तर तथा गुप्त पूर्व काल को देखेंगे, जिसमें कि पूरा टॉपिक नंबर 5 का जितना भी प्रश्न था, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 71 तक सभी को मैंने इसमें कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न, देखिए अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की। ठीक, यानी कि मौर्य वंश का जो सम्राट था बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने की और शुंग वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन है हमारा ए पुष्यमित्र, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र या डी नागभट्ट। सही आंसर हो जाएगा ए पुष्यमित्र, शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके। कब की? तो 185 BC में। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। ऑप्शन है ए सेनापति, बी प्रधानमंत्री, सी गवर्नर या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए सेनापति। पुष्यमित्र शुंग जो था, पहले यह मौर्य साम्राज्य में बृहद्रथ के अंडर में जो था, ये एक सेनापति था। बाद में इसी ने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या कर दी और खुद जो था इसने शुंग वंश, एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग वंश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, कर्म वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है ए वसुदेव, बी भूमिमित्र, सी नारायण या डी सुशर्मा। सही आंसर हो जाएगा ए वसुदेव। कर्म वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी, तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है ए सिमुक, बी सतकर्णी, सी गौतमीपुत्र सतकर्णी या फिर डी वशिष्ठीपुत्र श्रीपुल मावी। तो सही आंसर हो जाएगा ए सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ए सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, सिमुक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, यानी जो सातवाहन शासक थे सब पहले ये लोग किसके अंदर यानी किसके अधीन काम किए थे। ऑप्शन है ए नंदवंश, बी मौर्य वंश, सी चोल वंश या डी चेरों के अधीन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी मौर्य वंश। जो सातवाहन शासक थे ये पहले मौर्य शासकों के अधीन लोगों ने काम किया, बाद में ये अपने खुद के राजवंश सातवाहन की स्थापना कर दी। किसने किया, तो आपने अभी भी देखा कि सिमुक ने जो था सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया। ऑप्शन है ए कुजुल कडफिसस, बी विम कडफिसस, सी कनिष्क या डी वशिष्क। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी कनिष्क। ठीक, कनिष्क वह महानतम कुषाण नेता था जो बाद में क्या हुआ, बौद्ध बन गया, बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। ऑप्शन है ए भारत इस्लाम शैली, बी भारत ईरान शैली, सी भारत चीन शैली या डी भारत ग्रीक शैली। सही आंसर हो जाएगा डी भारत ग्रीक शैली। जो गंधार कला शैली है ये भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन है ए पुरुषपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद या डी सारनाथ। सही आंसर हो जाएगा ए पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन है ए पटना, बी पाटलिपुत्र, सी पेशावर या डी पंजाब। सही आंसर हो जाएगा सी पंजाब। पुरुषपुर जो था ये पेशावर का जो था ये दूसरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, चरक किसके राज चिकित्सक थे। ऑप्शन है ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी कनिष्क। सही आंसर हो जाएगा डी कनिष्क। चरक जो था ये कनिष्क के दरबार में क्या थे, उसके राज चिकित्सक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था। ए प्राचीन वैदिक कला, बी मौर्ययुगीन कला, सी गंधार कला या फिर डी गुप्त कला। तो सही आंसर हो जाएगा सी गंधार कला। गंधार कला का जो संबंध है तक्षशिला से था, तो इसलिए तक्षशिला इसके लिए क्या था, प्रसिद्ध था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन है ए कुषाण, बी इंडो बैक्ट्रियन, सी शक या डी गुप्त। सही आंसर हो जाएगा बी इंडो बैक्ट्रियन, या तो इंडो बैक्ट्रियन ऑप्शन में होगा या यूनानी होगा। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किन्होंने चलाई, तो यूनानियों ने या फिर इंडो बैक्ट्रियन ने। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ऑप्शन है ए मथुरा संग्रहालय, बी मुंबई संग्रहालय, सी मद्रास संग्रहालय, या फिर डी दिल्ली संग्रहालय। सही आंसर हो जाएगा ए मथुरा संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन है ए कुषाण, बी इंडो बैक्ट्रियन, सी शक या डी गुप्त। सही आंसर हो जाएगा ए कुषाण। ठीक, यहाँ पे तीन चीज़ों को मैं बताऊंगा, इन तीनों को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि सबसे पहले यानी कि फर्स्ट टाइम जो था सोने के सिक्के किसने चलाए, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यूनानियों ने, ठीक, या फिर इंडो बैक्ट्रियन ने। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, सही आंसर हो जाएगा कुषाण। लेकिन अगर तीसरा क्वेश्चन पूछे कि अशुद्ध सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो हो जाएगा गुप्त वंश के। ठीक, इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 15, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? ऑप्शन है ए सीसा, बी प्रोटीन, सी तांबा या डी स्वर्ण। तो सही आंसर हो जाएगा ए सीसा, सातवाहन काल में सर्वाधिक जो सिक्का थे वो सीसा के बने थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन है ए कंबन, बाणभट्ट या अश्वघोष, बी नागार्जुन अश्वघोष या वसुमित्र, सी अश्वघोष कालिदास या बाणभट्ट, या फिर डी कालिदास कंबन या वसुमित्र। ठीक, तो सही हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी नागार्जुन अश्वघोष और वसुमित्र जो थे, ये तीनों जो कनिष्क के समकालीन थे। सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? ऑप्शन है ए सातवाहन, बी मौर्य, सी गुप्त या डी चोल। तो सही आंसर होगा ए सातवाहन, सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा को शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, भारतीय रंगमंच में यौनिका का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है ए यौनिका यानी कि पर्दा, ठीक, ऑप्शन है ए शकों ने, बी पार्थियनों ने, सी यूनानियों ने या डी कुषाणों ने। सही आंसर हो जाएगा सी यूनानियों ने, भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने ने किया, तो यूनानियों ने किया। नेक्स्ट, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शन है ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष या डी फाहियान। सही आंसर हो जाएगा ए कनिष्क, कनिष्क ने जो था इसी ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया, तो सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाईं? ऑप्शन है ए ग्रीक वासियों ने, बी मौर्यों ने, सी कुषाणों ने और डी सुंगों ने। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी कुषाणों ने। क्या हो जाएगा सही आंसर? सी कुषाणों ने। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में ऐसा दिया रहता कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाएं, अब ऐसा तो इसमें कहा नहीं है कि शुद्ध या अशुद्ध, लेकिन अगर ऑप्शन में गुप्त दे देता तो थोड़ा बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता, लेकिन ऑप्शन में गुप्त नहीं दिया है तो कुषाण ही होगा। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण शासकों ने। सही आंसर अगला क्वेश्चन देखिए, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन है ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी समुद्रगुप्त। हमने पहले भी देख लिया है कि चरक और नागार्जुन जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, तो सही आंसर हो जाएगा ए कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ऑप्शन है ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष या डी समुद्रगुप्त। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा बी कनिष्क, शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पे? ए पाकिस्तान में, बी भारत में, सी बांग्लादेश में या डी बर्मा में। बहुत ईजी प्रश्न है, सही आंसर हो जाएगा ए पाकिस्तान में, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 24, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन है ए अजात शत्रु, बी बिंदुसार, सी खारवेल या डी मयूर शर्मन। सही आंसर होगा सी खारवेल, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। नेक्स्ट,
कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है ए धर्म के क्षेत्र में, बी कला के क्षेत्र में, सी साहित्य के क्षेत्र में, या डी वास्तुकला के क्षेत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा डी, वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था कुषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी सौराष्ट्र, सी प्रतिष्ठान, या डी आंध्र। सही आंसर हो जाएगा डी आंध्र। ठीक, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो आंध्र से शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 27, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए औरंगाबाद, बी पैठन या प्रतिष्ठान, सी मदुरा, या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी प्रतिष्ठान। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी, जिसको पैठन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए हाथी गुम्फा अभिलेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी नानाघाट अभिलेख, या डी नासिक अभिलेख। सही आंसर हो जाएगा ए हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है कलिंग नरेश खारवेल से है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शन है ए गौतमीपुत्र सतकर्णी, बी वशिष्ठीपुत्र पुल्लुमावी, सी हाल, या डी सीमुक। तो सही आंसर हो जाएगा सी हाल। ठीक, क्वेश्चन था कि किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की, तो सही आंसर हो जाएगा हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन है ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले था शुंग, था शुंग एक नंबर पे होगा। ठीक, उसके बाद हो जाएगा सातवाहन दो नंबर पे हो जाएगा। ठीक, गुप्त तीन नंबर पे हो जाएगा और चोल हो जाएगा चार नंबर पर। तो इस तरह से ऑप्शन में मिला लीजिए कौन है। तो सबसे पहले यानी कि तीन होगा, इस ये अलग ऑप्शन तो होगा नहीं। सबसे पहले चार है ये भी नहीं होगा, सबसे पहले ये भी नहीं होगा, यानी कि हम लोग का आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले शुंग, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त और बाद में चोल। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन है ए बैक्ट्रियन या ग्रीकों ने, बी पार्थियन ने, सी शकों ने, या डी कुषाणों ने। तो सही आंसर हो जाएगा ए बैक्ट्रियन या ग्रीकों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट देखते हैं, सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही क्रम चुनिए। ठीक, शासक एवं उनकी उपाधियां दी गई है। तो कहा है अशोक, तो अशोक की उपाधि थी विक्रमादित्य, विक्रमादित्य नहीं होगा, माफ कीजिएगा, अशोक का उपाधि था कलिंग चक्रवर्ती, तो एक का दो हो जाएगा। कनिष्क का उपाधि था महेंद्रादित्य, तो ये दो का तीन हो जाएगा। खारवेल को जो था ये देव, गलती हो रहा है, सॉरी माफी चाहूंगा इसके लिए, नहीं गलत है। एक का हो जाएगा, अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी, अशोक का प्रियदर्शी हो जाएगा, अशोक का प्रियदर्शी। ठीक है, और इसका हो जाएगा कनिष्क का हो जाएगा देवपुत्र। ठीक, और सी यानी कि खारवेल का हो जाएगा कलिंग चक्रवर्ती, और कुमारगुप्त का हो जाएगा महेंद्रादित्य, और ये विक्रमादित्य जो था ये अकेला बेचारा रह जाएगा। ठीक, तो इस पर का हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, अशोक प्रियदर्शी, कनिष्क देवपुत्र, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। ठीक, और ये पहला का किसी से मिलान नहीं होगा। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 34, विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है ए 78 ईस्वी, बी 58 ईसा पूर्व, सी 72 ईसा पूर्व, या फिर डी 56 ईसा पूर्व। सही आंसर हो जाएगा बी 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक, कह रहा है कि विक्रम संवत कब चलाया गया था, तो अभी हमने देखा कि विक्रम संवत कब चला था, तो 58 बीसी में, यानी कि एक का हो जाएगा चार। शक संवत, शक संवत हमने कुछ देर पहले ही देखा कि 78 ईस्वी में।
गुप्त संवत्सर ये जो था 320 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था, और कली संवत्सर इसको 3102 ईसा पूर्व में शुरुआत किया गया था। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 का 4 1 का 4 यहाँ दोनों में है, ठीक 2 का 3 2 का 3 इसमें है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी को गोली मारिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 36। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, ऑप्शन है ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, तो सातवाहन, पल्लव, चोल और चालुक्य। तो सही आंसर हो जाएगा ए सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य कौन था, तो सातवाहन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 37। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, ऑप्शन है ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, या डी गुप्तोत्तर काल में। सही आंसर हो जाएगा बी मौर्य काल, सॉरी कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी, तो कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 38। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, ऑप्शन है ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व, या डी गुप्त। सही आंसर हो जाएगा सी कण्व वंश, ठीक। शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने शासन किया, तो कण्व वंश सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 39। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, ऑप्शन है ए पेन चाओ, बी पान यंग, सी सी हुआंग टी, या डी हो टी। बहुत खतरनाक खतरनाक सब नाम है। सही आंसर हो जाएगा ए पेन चाओ, ठीक। पेन चाओ ने, पेन चाओ चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था, तो सही आंसर हो जाएगा ए पेन चाओ। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 40। उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने, ए इंडो ग्रीकों ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने, या डी प्रतिहारों ने। सही आंसर हो जाएगा बी कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था, तो कुषाणों ने जारी किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कथन ए और कारण आर दिया गया है। कह रहा है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। दूसरा कह रहा है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, यानी कि ये वाला कथन सही है लेकिन ये वाला कथन गलत है कि उनकी जो नौसेना थी वो सुसंगठित थी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 42। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। पहले हम लोगों ने देख लिया, ऑप्शन है ए शिखर, बी वेसर, सी गंधार, या डी नागर। सही आंसर हो जाएगा गंधार, ठीक। वो कला शैली जो कि भारतीय और ग्रीक दोनों का सम्मिश्रण है उसको क्या कहते हैं, गंधार कला शैली कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 43। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया था, ऑप्शन है ए हीनयान, बी व्रजयान, सी महायान, या डी सहजयान। सही आंसर हो जाएगा सी महायान, ठीक। कनिष्क जो था बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था और इसका प्रचार प्रसार भी उसने किया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 44। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, बी जैन धर्म का पुनः उदय, सी चतुर्थ बौद्ध संगति, या डी गंधार शैली का विकास। तो इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी जो कि कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, और कब हुई थी, तो प्रथम ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 45वां प्रश्न। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, ऑप्शन है ए कनिष्क का, बी चंद्रगुप्त मौर्य का, सी गौतमीपुत्र सत्कर्णी का, या डी पुष्यमित्र शुंग का। तो सही आंसर हो जाएगा डी पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत का जो महान व्याकरण था पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 46। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था, ऑप्शन है ए यवन राजा मिनांडर, बी शक राजा रुद्रदमन, सी पार्थव राजा गोंडोफिरनस, और डी कुषाण राजा कनिष्क।
तो सही आंसर हो जाएगा बी, शक राजा रुद्र दमन द्वारा सबसे पहला विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो था ये जारी किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 47, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ऑप्शन है ए मिनांडर, बी रुद्र दमन, सी गोंडोफिरनस या डी कनिष्क। सही आंसर हो जाएगा सी गोंडोफिरनस। गोंडोफिरनस के समय में ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश नहीं ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस जो था वो भारत आया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ऑप्शन है ए कडफिसस वन यानी कुरुल कडफिसस प्रथम, दूसरा है कुरुल कडफिसस द्वितीय, सी कनिष्क या डी वासिष। सही आंसर हो जाएगा बी कडफिसस द्वितीय ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने सबसे पहले कुरुल कडफिसस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 49, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। ऑप्शन है ए गुप्त, बी हिंद यवन, सी ईरानियों ने या फिर डी शकों ने। तो सही आंसर हो जाएगा डी शकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 50, त्रातर की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था जिसका अर्थ होता है मुक्तिदाता। ऑप्शन है ए शक, बी कुषाण, सी हिंद यवन या डी पार्थियन। सही आंसर हो जाएगा ए शक, शक शासकों ने त्रातर यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि को धारण किया था। प्रश्न संख्या 51, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। ऑप्शन है ए यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक, सी शक यूनानी कुषाण या डी शक कुषाण यूनानी। तो सही आंसर हो जाएगा ए सबसे पहले यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद शकों ने और बाद में कुषाणों ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनानी शक तथा कुषाणी जो थे भारत पर आक्रमण का सही कालानुक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया किनके द्वारा, ग्रीकों के द्वारा, बी शकों के द्वारा, सी पार्थियनों के द्वारा या फिर डी मुगलों के द्वारा। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए ग्रीकों के द्वारा। ग्रीकों के द्वारा सबसे पहले मिलिट्री गवर्नरशिप यानी कि सैनिक शासन को व्यवहार में लाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूरानी राज्य कौन सा था। ऑप्शन है ए बैक्ट्रिया, बी सिथिया, सी जेडरेसिया या डी एलिया। सही आंसर हो जाएगा ए बैक्ट्रिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया राज्य की स्थापना हुई थी। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है ए शतमान, बी निष्क, सी पल या डी करसापन। सही आंसर हो जाएगा डी करसापन। चार धातुओं से बने सिक्का जिसको जो कि सोना चांदी तांबे और सीसा से बना होता था उसको करसापन कहा जाता था। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 55, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है ए कुषाणों का, बी तमिल एवं चेरों का, सी वकाटकों का या डी शकों का। सही आंसर हो जाएगा बी तमिल एवं चेरों का सबसे पहले रोम के लोगों के साथ क्या व्यापार शुरू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है। ऑप्शन है ए बारबेरिकम, बी बेरीगाजा, सी अरिकमेडू या डी कोचीन। सही आंसर हो जाएगा डी कोचीन। कोचीन जो था उस समय का बंदरगाह नहीं था मौर्योत्तरकालीन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी कोचीन। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है। पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है वो पता नहीं, अज्ञात है। इसमें ना लेखक का नाम लिखा है ना कुछ, पता ही नहीं है किसने लिखा है। तो यह एक किताब है, इस किताब में पोडुके नाम किसके लिए यूज किया गया है। ऑप्शन है ए बेरीगाजा, बी अरिकमेडू, सी बारबेरिकम या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी अरिकमेडू। अरिकमेडू के लिए पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी में पोडुके नाम का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 58, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। ऑप्शन है ए
डेमेट्रियस, सॉरी डेमेट्रियस, बी मिरांडर, सी मिथ्राडेटस या डी गोंडोफर्निस। सही आंसर हो जाएगा ए, डेमेट्रियस ने मौर्य उत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया। ऑप्शन है ए कुडुलकडफिसस द्वितीय, बी डेमेट्रियस, सी मिनांडर या डी कनिष्क। सही आंसर हो जाएगा सी मिनांडर। मिनांडर अपने जीवन काल में अपना जितना राजपाट था सब किसको दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, और उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर बौद्ध भिक्षुआ बन गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मिनांडर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60। कुषाणों का संबंध था, ऑप्शन है ए सिथियन जनजाति से, बी पार्थियों से, सी चीन के यूची जनजाति से या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन है ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी नागार्जुन या डी बाण भट्ट। सही आंसर हो जाएगा बी अश्वघोष। अश्वघोष जो था कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था, यानी अश्वघोष से ही मतलब प्रेरणा लेकर हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची वन को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। कहता है इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक किसको कहा जाता था, तो हिंद यवन को। तो पहला का तो ये हो जाएगा, शक सिथियन से हो जाएगा, और पार्थव जो थे ये पल्लव हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, पहला का पहला से, ए का पहला से, बी का दूसरा से, और सी का तीसरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए, राज्य तथा उसकी राजधानी दी गई है। तो चलिए एक एक सबको देख लेते हैं। पहला है सुंग, तो सुंग की राजधानी क्या थी, तो सुंगों की राजधानी विदिशा थी, तो पहला का एक हो जाएगा। दूसरा है चेदी, चेदी की राजधानी कलिंग थी, तो इसका दो हो जाएगा। सातवाहन की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, हमने पीछे देख लिया है। और कुषाणों की राजधानी जो थी पुरुषपुर या पेशावर थी, ये भी हमने पीछे देख लिया है। तो इस प्रकार इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कूट ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी अभी पीछे इसमें प्रश्न है 64। प्रश्न, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की। ठीक, यानी कि सीजर की। ऑप्शन है ए हिंद यवन, बी शक, सी कुषाण या डी सातवाहन। तो सही आंसर हो जाएगा सी कुषाण। ठीक, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किन वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुषाणों ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब, प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ। ऑप्शन है ए भरहुत का स्तूप, बी सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, सी भाजा स्तूप या डी उपर्युक्त सभी। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सुंग के काल में इन तीनों का निर्माण हुआ था, भरहुत स्तूप का, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार का, तथा भाजा स्तूप, ये तीनों का निर्माण जो था सुंग काल में ही हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की। ठीक, यानी कि गुणाढ्य जो कि हाल के समकालीन, तो उन्होंने किसकी रचना की। तो ऑप्शन ए बुरहत कथा, बी बुद्धचरित, सी लीलावे या डी सत्यसई। सही आंसर हो जाएगा ए बुरहत कथा। ठीक, गुणाढ्य ने किसकी रचना की थी, तो बुरहत कथा की थी। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा, पुष्यमित्र सुंग बौद्धों को संरक्षण देता था, सी बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें करा कि केवल एक, दो और तीन दोनों, एक और तीन और केवल तीन। तो देखिए ये दोनों से गलत है, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे ये भी गलत है, और पुष्यमित्र सुंग ने बौद्धों को संरक्षण दिया था ये भी गलत है। लेकिन ये सही है कि बोधगया में शशांक ने जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया था। तो केवल हम लोगों का तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का भी और अशोक का भी। ऑप्शन है ए गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख या डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। सही आंसर हो जाएगा बी रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए।
ऑप्शन है ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण या डी पार्थियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कुषाणों ने, क्योंकि कुषाणों नहीं चला जाएगा, या तो कुषाण होगा या यूनानी होंगे या गुप्त होंगे, तो ना तो इसमें यूनानी है ना तो इसमें गुप्त है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा कुषाण हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के से संबंधित था? ऑप्शन है ए चेदी वंश से, बी कदम्ब से, सी हर्यक या डी कलिंग। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो चेदी वंश से संबंधित है, ये कलिंग कोई वंश थोड़ी है, चेदी वंश है, तो सही आंसर हो जाएगा ए चेदी वंश। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न देखते हैं आज का। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेष्ठ संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा कह रहा है श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा कह रहा है कथन कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। कह रहा है कि केवल एक और दो सही है, केवल तीन सही है, केवल दो और तीन, या फिर एक और दो तीन तीन। तो देखिए पहला सही है, कहाँ गया जी, हाँ पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा जो कह रहा है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये गलत है, इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए एक और दो, ये दोनों सही है, बाकी तीसरा जो है ये गलत है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सीरीज में पाँचवा टॉपिक जो है उसको कवर किया। ठीक, इसका जो अगला पार्ट होगा पाँचवा टॉपिक में भी पाँचवा टू, ये पाँच का वन था, ये अगला पाँच का टू होगा, जिसमें लगभग हमको लगता है 30-32 प्रश्न होंगे, तो उसको अगले सेशन में मैं लेकर आऊँगा। तो आप इस सेशन के अंत तक बन रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। ठीक, चलिए बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, वैसे हम लोग का ग्रुप डिस्कशन रोज शाम को होता है, आप उनसे रोज जुड़िएगा। ठीक, तो चलिए यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक जुड़ने के लिए।